हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली सभी वीडियो को देखते हुए और आपके जो लाइक मिले, मेरे चैनल को सब्सक्रिप्शन मिले, वो सब देखते हुए मुझे लगता है मेरी सब वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हैं, और इसीलिए मैंने आपके लिए आज एक ख़ास वीडियो तैयार की है जो व्हील अलाइनमेंट पर आधारित है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं व्हील अलाइनमेंट क्या होती है, व्हील अलाइनमेंट गाड़ी में क्यों की जाती है, और ये गाड़ी के किस हिस्से में की जाती है, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं गाड़ी में। अगर हम व्हील अलाइनमेंट करवाते हैं तो उसका हमें क्या फ़ायदा है, अगर हम गाड़ी में व्हील अलाइनमेंट नहीं करवाते हैं तो हमें उसका क्या नुकसान हो सकता है, या गाड़ी में सही ढंग से व्हील अलाइनमेंट नहीं की जाए तो भी हमें उसका क्या कॉन्सिक्वेंसल हो सकता है, ये सब चीज़ें मैं आपको अपनी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, व्हील अलाइनमेंट क्या होती है? व्हील अलाइनमेंट गाड़ी के फ्रंट व्हील के अंदर कुछ विशेष एंगल दिए जाते हैं जिसकी वजह से गाड़ी सीधी चल पाती है और गाड़ी के टायरों में घिसावट नहीं होती है और हमारा स्टेयरिंग ऑपरेशन भी हल्का रहता है। ये सब चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए हमें व्हील अलाइनमेंट करवाने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि लगभग हर सर्विस पर हमें करवानी चाहिए, और जो गाड़ी ज़्यादा रफ़ रोड पर या रफ़ ड्राइविंग जिस पे की जाती है, या ज़्यादा स्पीड में ड्राइविंग किया जाता है, या ज़्यादा जंप करवाई जाती है जो गाड़ियाँ, उनमें व्हील अलाइनमेंट डिस्टर्ब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, व्हील अलाइनमेंट के अंदर मेनली चार एंगल सेट किए जाते हैं जो कि मैंने बोर्ड पर आपको दिखाया है। नंबर वन, किंग पिन एंगल। सेकंड, कैम्बर एंगल। थर्ड, टोइन एंगल। और फोर्थ, कैस्टर एंगल। ये चार एंगल हमें गाड़ी के सेट करने होते हैं। मैं इसका आपको डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेनेशन के दे रहा हूँ कि किंग पिन एंगल क्या होता है। जैसा कि मैंने फ्रंट एक्सल के चैप्टर में आपको किंग पिन का डायग्राम बना करके दिखाया था, तो किंग पिन के अंदर थोड़ा सा एंगल दिया जाता है, यानी कि किंग पिन को थोड़ा तिरछा बनाया होता है। अगर हम किंग पिन के बीचों बीच एक सेंटर लाइन ऐसे खींच दें और इधर जो टायर है इसके साथ स्टब एक्सल के साथ टायर जुड़ा होता है, इसके बीच से एक लाइन सीधी खींच दे तो ज़मीन पर यहाँ पर ये दोनों आपस में मिलेंगी, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम किंग पिन एंगल बोलते हैं। किंग पिन एंगल का जो मैंने बताया, इसमें ये वाला एंगल आप समझ चुके होंगे, दोनों तरफ किंग पिन के बीच की दूरी जो ऊपर से दोनों का डिस्टेंस है और नीचे से दोनों निचले सिरों का दोनों का जो डिस्टेंस है उसमें नीचे वाला डिफरेंस ज़्यादा होता है, ऊपर वाले का कम होता है, तो ऊपर का डिस्टेंस कम, नीचे का डिस्टेंस ज़्यादा होता है, ये किंग पिन का एंगल होता है। सेकेंड, कैम्बर एंगल। कैम्बर एंगल में जब गाड़ी के टायरों को हम सामने से देखते हैं तो ऊपर से डिस्टेंस ज़्यादा, दोनों टायरों के बीच की दूरी ज़्यादा होगी और नीचे से दोनों सिरों का डिस्टेंस कम होगा, इस एंगल को हम कैम्बर एंगल बोलते हैं। थर्ड अपना है टोइन एंगल। टोइन एंगल के अंदर जब हम गाड़ी को ऊपर की तरफ से देखेंगे, यानी कि गाड़ी को छत की तरफ से देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे, तो अगले टायरों को जो है आगे से दोनों अगले टायर अंदर की तरफ झुके होते हैं और पीछे से बाहर की तरफ होते हैं, तो पीछे का डिस्टेंस, दोनों टायरों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा और अगले टायरों के अगले सिरों का डिस्टेंस कम होगा, जिसे हम टोइन एंगल बोलते हैं। इसके अलावा कैस्टर एंगल, जब गाड़ी को हम साइड से देखते हैं तो किंग पिन एंगल, जो किंग पिन है वो थोड़ी तिरछी रखी होती है,
यहाँ पर जो मैंने आपको किंग पिन एंगल दिखाया था वो गाड़ी का फ्रंट से देखने से है, और यहाँ पर किंग पिन को हम साइड से देखेंगे तो साइड में भी ये ऐसे तिरछी होती है। जैसे कि साइकिल के अंदर, साइकिल का जो फ्रेम होता है या बाइक का जो फ्रेम होता है वो कुछ ऐसे तिरछा होता है बजाय सीधा होने के, यहाँ पे व्हील लगा होता है। तो इस एंगल को हम कैस्टर एंगल बोलते हैं। दोस्तों ये चारों एंगल आपको समझ में आ चुके होंगे, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये चारों एंगल गाड़ी में क्यों दिए जाते हैं, इनको गाड़ी के एंगल गाड़ी में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, इनकी ज़रूरत हमें क्यों होती है। मैं इस डायग्राम के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने दिखाया, ये एक्सल बीम है, एक्सल बीम किंग पिन के साथ है, किंग पिन के द्वारा स्टब एक्सल के साथ है बंधा हुआ है, और स्टब एक्सल नक्कल के द्वारा टायर के साथ बंधा हुआ है, ये नक्कल के साथ है। टायर के द्वारा बंधा हुआ है, और स्टब एक्सल को हम स्टब एक्सल पे ड्रैग लिंक और टाई रोड के द्वारा जो स्टेयरिंग शाफ्ट से जुड़ी होती है इसको हम घुमा सकते हैं, जिससे हमारे टायर मुड़ पाते हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में, क्योंकि एक्सल बीम पर हमारा गाड़ी का सारा वेट होता है, ये लीफ स्प्रिंग के द्वारा चेसिस फ्रेम के साथ है बंधा होता है, और चेसिस फ्रेम के ऊपर ही गाड़ी का सारा वेट होता है। यहाँ पर गाड़ी की पूरी बॉडी होती है जिसका वेट यहाँ एक्सल बीम पर होता है। एक्सल बीम का सारा वेट यहाँ किंग पिन पर आ जाता है। किंग पिन पर आने की वजह से, गाड़ी का सारा वेट किंग पिन पर आने की वजह से, जब हम स्टब एक्सल को स्टेयरिंग के द्वारा घुमाने की कोशिश करेंगे तो हमें काफ़ी जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी का सारा वेट यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। और अगर हम इस वेट को आपको कुछ सेंटर पॉइंट से दिखाएंगे तो ज़मीन पर ये इस तरह से, और टायर जो है इसका जो है सेंटर जो एक्सिस है यहाँ पर इस तरह से होगी, यानी कि गाड़ी का वेट यहाँ इस ज्वाइंट पे और यहाँ पर गिरा। लेकिन हमें गाड़ी को, जो गाड़ी का स्टीयरिंग है उसको आसानी से घुमाने के लिए और गाड़ी का वेट प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होता रहे, मेंटेन होता रहे, इसलिए हमें गाड़ी का सारा वेट टायर के इस पॉइंट पर चाहिए। तो हमें इसके लिए किंग पिन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने बताया, किंग पिन को बिल्कुल सीधा ना करके ये वाला जो यहाँ पर गाड़ी का वेट है वो हमें यहाँ पर शिफ्ट करना, तो हमें इसको तिरछा करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने ये आपको दिखाया। इसके साथ साथ अगर हम किंग पिन को तिरछा कर देंगे तो हमारा टायर जो है ये स्टब एक्सल सीधा है, टायर जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगर हम इसको यहाँ से तिरछा कर देते हैं ऐसे किंग पिन को, तो इसके अंदर जो स्टब एक्सल लगा हुआ है वो भी ऐसे तिरछा हो जाएगा, और हमारा टायर कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जो कि रोड पे प्रॉपर कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें स्टब एक्सल का डिज़ाइन भी थोड़ा चेंज करना पड़ता है। इसे हमें इसके अंदर एक एंगल दिया जाता है, इसको ऐसे एंगल दिया जाता है जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया है। ये बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ ना करके हमें नीचे की तरफ थोड़ा सा एंगल दिया जाता है, जिसे हम कैम्बर एंगल बोलते हैं, जिसकी वजह से टायर हमारे अंदर की तरफ झुक जाते हैं। तो दोस्तों कैम्बर एंगल और किंग पिन एंगल आप समझ चुके होंगे। अभी ये सब करने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर किंग पिन का एंगल देने के बाद और स्टब एक्सल के अंदर एंगल देने के बाद, जिसे हम कैम्बर एंगल बोलते हैं, हमारा टायर, हमारा जो वेट है वो बिल्कुल यहाँ टायर के यहाँ पे रहेगा। ये मैं इधर आपको दोबारा से, टायर ऐसे रहेगा,
अब हमारा ये वाला इसका सेंट्रल लाइन और किंग पिन का सेंट्रल लाइन यहाँ पर गिरेगा, तो गाड़ी का पूरा वेट यहाँ पर गिरेगा, जिससे हमारा स्टेयरिंग स्टब एक्सल को आसानी से घुमाया जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ यहाँ तक करने के बाद भी हमें कुछ कमी गाड़ी में रह जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं टायर थोड़ा सा टेढ़ा होने की वजह से इसका जो कॉन्टैक्ट है वो प्रॉपर रोड के साथ नहीं हो पाता। ये वाला जो कॉन्टैक्ट है जो रोड के साथ में कॉन्टैक्ट होना चाहिए, तो रोड के साथ में सिर्फ एक तरफ से ही टच रहेगा, दूसरा हिस्सा जो है रोड के कॉन्टैक्ट में नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें इसके अंदर टो इन एंगल दिया जाता है, यानी कि गाड़ी के जो टायर का अगला हिस्सा है उसको अगली तरफ से अंदर की तरफ थोड़ा सा एंगल दिया जाता है, जैसा कि मैंने टो इन के अंदर दिखाया हुआ है। टो इन हम कैसे दे सकते हैं, जो ये वाला पोर्शन जो है गाड़ी का टॉप व्यू है, जब गाड़ी को हम ऊपर से देखेंगे तो गाड़ी का जो अगले टायर जो है आगे से अंदर की तरफ एंगल दिया जाता है, अंदर की तरफ होते हैं गाड़ी के टायर और पीछे से बाहर की तरफ होते हैं, ये टो इन एंगल, ताकि ये वाला जो इसके अंदर कमी थी वो हम पूरी कर सकें। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जो सपोज ये फ्रंट के टायर हैं, तो जो टाई रोड मैंने दिखाया था पिछली बार आपको, टाई रोड से हम नक्कल के द्वारा ऐसे बंधे होते हैं टायर, टाई रोड को हम यहाँ एडजस्टेबल नट दे करके इसको हम इसकी लंबाई कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे टायर हम बाहर की तरफ या अंदर की तरफ कर सकते हैं, जिससे हम टो इन सेट करते हैं। इसके अलावा कैस्टर की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, टो इन का आप समझ चुके होंगे, किंग पिन एंगल का समझ चुके होंगे, कैस्टर का भी आपको समझ में आ चुका होगा। अभी कैस्टर के बारे में जानकारी लेते हैं, कैस्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील घुमाते हैं तो हमें उसको वापस अपनी पोजिशन में लाना होता है, इसलिए गाड़ी का जो वेट है, अगर यहाँ साइड, ये साइड व्यू मैंने आपको दिखाया, किंग पिन जो है गाड़ी का वेट, जब गाड़ी तेज स्पीड में चलती है तो अचानक से जब हम ब्रेक लगाते हैं तो हमारी बॉडी का जो गाड़ी की बॉडी है और फ्रेम है उसका वेट जो है वेलोसिटी की वजह से गाड़ी से आगे चला जाता है और गाड़ी पलट भी सकती है, इसलिए हमें गाड़ी का वेट बिल्कुल व्हील पर चाहिए, इसलिए हमें इसके अंदर एंगल दिया जाता है। इसके सेंटर से अगर एक लाइन ड्रॉप की जाए और व्हील के बीचों बीच से एक लाइन की जाए तो ये जो एंगल बनेगा उसको हम कैस्टर एंगल बोलते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, जब हम साइकिल पे या बाइक पे बाइक चलाते हैं और अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो हम बाइक से आगे जा कर के गिरते हैं, वो क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो भी मोशन में आ जाती है, जब हम तेज़ स्पीड में बाइक पे चलते हैं बाइक के साथ साथ में हमारी बॉडी भी मोशन में आ जाती है, और अचानक ब्रेक लगने के बाद बाइक रेस्ट पोजीशन में आ जाती है और हमारी बॉडी जो है वो मोशन में होने की वजह से गाड़ी से आगे चली जाती है, इसलिए हमें कैस्टर एंगल की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि मैंने एक बाइक या साइकिल में आपको होता है, साइकिल का जो फ्रेम है उसमें कुछ इस तरह से होता है, ना कि इसको ऐसे सीधा कभी भी नहीं बनाया जाता, अगर हम इस तरह से डिज़ाइन करेंगे बिल्कुल सीधा तो ब्रेक लगाने के तुरंत बाद साइकिल भी पलट जाएगी और उस पर बैठा यात्री भी आगे की तरफ जा गिरेगा। तो दोस्तों, व्हील अलाइनमेंट की ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की, मैं आशा करता हूँ कि इसके बारे में आप समझ चुके होंगे। गाड़ी में व्हील अलाइनमेंट के अगर हम ठीक ढंग से ये एंगल जो मैंने अभी आपको बताए, ये सभी कंपनी
अपने अपने एंगल निर्धारित करती है। गाड़ी में जितना भी उनका स्पेसिफिकेशन दिया होता है वो व्ही अलाइनमेंट के अंदर जो मैंने आपको बताए चारों एंगल वो निर्धारित किए जाते हैं। अगर गाड़ी में कोई एंगल डिस्टर्ब होता है तो उसकी वजह से हमारा स्टीयरिंग ऑपरेशन ठीक नहीं रहेगा, या तो गाड़ी एक तरफ को खींचेगी चलने में, या स्टीयरिंग हमारा टेढ़ा प्रतीत होगा, या हमारा हमारी गाड़ी के टायर घिसने शुरू हो जाएंगे। इस तरह के प्रॉब्लम हम फेस करेंगे, तो इसको अच्छे ढंग से चेक करने के लिए हमें व्हील अलाइनमेंट मशीन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंदर अलाइनमेंट के जो ये एंगल हैं मैंने आपको बताई, ये इनकी सभी स्पेसिफिकेशन फिक्स की जाती हैं। और अगर गाड़ी की अलाइनमेंट आउट है तो उसके अंदर वो रेड कलर में हाईलाइट करने करने लगेगी, अदरवाइज सभी पैरामीटर्स जो सभी उसकी रीडिंग दी हुई है एंगल्स की, वो ग्रीन लाइट सिग्नल दिखाएगी। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, आशा करता हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को क्लोज करता हूँ। अगली वीडियो के साथ फिर मैं आपको जल्दी ही मिलने वाला हूँ। थैंक यू।